मैं आज आपको विलियम चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले विलियम, विलियम समांगी मिश्रण है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी और दूसरा असमांगी। यानी होमोजेनियस और हेटरोजेनियस, ये दोनों का समांगी मिश्रण जो होता है ये हमारा विलयन कहलाता है। विलयन में जो भी पदार्थ होते हैं उसका आपस में प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए। विलयन में विलय होता है और विलायक होता है, ये दोनों मिलकर बनाता है विलय, जो विलायक बराबर विलयन। अब विलयन जो है दो से अधिक का भी हो सकता है, हम मुख्य रूप से दो पर लेते हैं, एक विलय है एक विलायक है। कभी कभी पहचानना मुश्किल होता है जो कौन विलय है और कौन विलायक है, तो इसमें हम देख लेंगे जिसकी मात्रा कम है वह विलय है, जिसकी मात्रा अधिक है वह विलायक है। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार की हम बात करेंगे तो विलयन में ठोस ठोस का विलयन हो सकता है, ठोस द्रव का विलयन हो सकता है, ठोस गैस का विलयन हो सकता है, द्रव ठोस का विलयन हो सकता है, द्रव द्रव का विलयन हो सकता है, द्रव गैस का विलयन हो सकता है, गैस गैस का विलयन हो सकता है, गैस द्रव का विलयन हो सकता है, गैस ठोस का विलयन हो सकता है। यानी कहने का सेंस ये है जो विलय में ठोस द्रव और गैस हो सकता है, विलायक में भी ठोस द्रव और गैस हो सकता है। इस तरह से अगर ठोस और द्रव के आधार पर हम बांटते हैं तो विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अब विलयन में विलयन की सांद्रता हमें देखनी पड़ती है। विलयन तो तैयार हो गया है लेकिन विलयन की सांद्रता क्या है, तो विलयन की सांद्रता को मापने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों को हम देखेंगे। और हम जो बात कर रहे हैं अब विलयन की सांद्रता पर, सबसे पहला है इसका प्रतिशत में। सांद्रता का जो मेजरमेंट हम करते हैं वो प्रतिशत में है। प्रतिशत में क्या होता है, सबसे फर्स्ट W/W यानी भार के विचार से। यानी इसमें हम क्या करते हैं, विलय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। दूसरा आ जाता है हमारे पास V/V यानी आयतन के विचार से। आयतन के विचार से जो हम लेते हैं तो उसमें हमारे पास होता है विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। एक हो सकता है हमारे पास W/V, W/V यानी भार और आयतन। इसमें हम लेंगे विलय का भार बटे विलयन का आयतन गुणे 100। और एक इसी में अगर प्रतिशत में हम न लें तो एक आ जाता है हमारा घनत्व, डेंसिटी
डेंसिटी में होता है विलेय का भार, बटे विलयन का आयतन। घनत्व भी विलयन की सांद्रता मेजर करने का एक तरीका है। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा मोल की। मोल यानी किसी भी कण की 6.02 गुणे 10^23 कणों की संख्या को हम मोल कहते हैं। एक मिनट थोड़ा सा मोल पर हम दे दें। मोल बराबर 1/2 बटे परमाणु भार या अणु भार। अगर तत्व है तो परमाणु भार लेंगे, यौगिक है तो अणु भार लेंगे। यही मोल जो होता है, अगर कण की संख्या हम लेते हैं तो तत्व है तो परमाणु की संख्या, यौगिक है तो अणु की संख्या। कणों की संख्या इसमें परमाणु या अणु हो सकता है। इसमें हम भाग देंगे 6.02 गुणे 10^23। अगर गैस है, कोई भी पदार्थ अगर गैस है तो S की P पर गैस का आयतन भागा 22.4 लीटर। STP हो या NTP हो, दोनों का एक ही मतलब होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP पर टेम्परेचर 0°C और प्रेशर 1 atm होता है। ये तो हम मोल के बारे में देख रहे हैं। अब इसी में हम आते हैं सांद्रता पर। सांद्रता में अब एक आता है हमारे पास मोलरता। मोलरता जिसे हम कैपिटल M से सूचित करते हैं, यानी मोलरिटी। मोलरिटी मोलरता ये तो होता है, हम अगर लेते हैं NyV, N घुलने का मोल और भी विलयन का आयतन। लीटर होना चाहिए। मोलरता जो होता है NyV यानी घुलने का मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, और इसके यूनिट को हम M से सूचित करेंगे, कैपिटल M दे दिया करेंगे। मोलरता के बाद हमारे पास आता है मोलरता। इसे स्मॉल M से सूचित करते हैं। ये कैपिटल M था, ये स्मॉल M है, और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मोलरिटी। ये जो होता है N/W, ये W जो है kg में होना चाहिए। ये फिर है घुल का मोल, विलायक का भार। विलायक का भार किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। मोलरिटी में हमने कैपिटल M इसका यूनिट दिया था, और ये मोलरिटी में हम स्मॉल M देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है सामान्यता, नॉर्मेलिटी।
नॉर्मलिटी को हम कैपिटल एन से सूचित करते हैं। नॉर्मलिटी ये कैपिटल एन से सूचित करते हैं। ये जो होता है घुलनी का ग्राम तुल्यांक और भागा घुलनी का ग्राम तुल्यांक और भागा आयतन। ये आयतन जो है ये होना चाहिए बिलियन का। और ये आयतन जो है लीटर में इसका यूनिट जो हम देंगे नॉर्मलिटी में देंगे और इसे सिंबल में हम मोलैरिटी मोलैलिटी नॉर्मलिटी। अब एक आ रहा है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाग मोल प्रभाग मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाग में हम देखते क्या है मिश्रण में जो पदार्थ दिया हुआ है वो कितना भाग है कौन सा भाग है। मान लिया हमने ए बी सी डी चार पदार्थ का मिश्रण है और इसका जो मोल है पदार्थ ए का वह एक्स ए है सॉरी एन ए है बी का एन बी है और सी का हमने ले लिया एन सी और डी का ले लिया एन डी। ये तो मोल हो गया मिश्रण में कुल मोल। कुल मोल बराबर एन बराबर हमने ले लिया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। ये एन ए बी सी डी सभी पदार्थों का कुल मोल हो गया। अब इसी का हम मोल प्रभाग अगर निकालते हैं तो ए का जो मोल प्रभाग होगा इसे हम लिखेंगे एक्स ए इसे सूचित किया जाता है एक्स से एक्स ए बराबर एन ए बटा एन जहां एन क्या है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। बी का निकालेंगे एक्स बी एन बी बटे एन। सी का निकालना है एक्स सी बराबर एन सी बटे एन। डी का एक्स डी बराबर एन डी बटे। ये हम मोल प्रभाग निकालते हैं। ये तो हो गया चार प्रकार से सांद्रता मोलैरिटी मोलैलिटी नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन। एक हमारे पास आता है पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। पीपीएम में है कुछ नहीं ये सिंपल क्या है प्रतिशत हम 100 में लेते हैं तो ppm हम 10 to the power 6 मिलेंगे 10 लाख मिलेंगे। यानी ppm बराबर होता है घुल का भार बटे बिलियन का भार गुणे 10 का पावर 6।
प्रतिशत हम निकालते थे डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में, तो उसमें क्या देते थे यहाँ 100, और पीपीएम में क्या देंगे 10 to the power 6। अब ये तो सांद्रता हम कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं इस पर एक छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है दो लीटर NaOH के विलयन में, दो लीटर NaOH के विलयन में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है, इसकी मोलरता कैसे निकालेंगे? NaOH कितना है? 4 ग्राम। सबसे पहला काम है NaOH का हम मोल निकालेंगे। दिया हुआ भार बटे अनुभार, दिया हुआ भार कितना है 4, और NaOH का अनुभार कितना होगा 40। 23 जोड़ 16 जोड़ 1 बराबर 40। 4 बटे 40 यानी 0.1 मोल। विलय का मोल हो गया हमारे पास 0.1, और आयतन हम लेंगे, आयतन दिया हुआ है भी बराबर 2 लीटर। अब मोलरिटी हम निकालते हैं, m बराबर है फॉर्मूला n बाई वी, n हमारे पास मालूम है और वी भी मालूम है, क्या होगा 0.1/2 बराबर 0.05। यहाँ पर